पांच राज्यों का महासंग्राम खत्म, अब नतीजों की है बारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, चार राज्यों में चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और इसकी कवरेज आप देख रहे हैं प्रभात खबर पर लाइव। नमस्कार आप सभी को, और नतीजे जो हैं वो 8 बजे से रुझान आने लगेंगे, गिनती शुरू हो जाएगी और सभी पार्टियां अलग अलग दावा कर रही है। जहां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि जनता उनके वादों पर एक बार फिर से विश्वास करेगी, उनके काम पर एक बार फिर से अपना भरोसा जताएगी, तो वहीं राजस्थान में राज बदले का या रिवाज, इस पर अभी सवाल कायम है। हालांकि जो रुझान सामने आए, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी आगे दिखी, कांटे की टक्कर के साथ यहां पर राज कायम रहेगा या फिर रिवाज बदलेगा, इस पर सवाल अभी भी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो सभी एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्वीकारा। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस को नकारते हुए इस बार कांग्रेस आगे दिखी एग्जिट पोल में। कांग्रेस के चेहरे पर खुशी भी जरूर है, जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया गया वहां पर, उसका परिणाम साफ देखने को यहां पर मिल रहा है। तो क्या यहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आती है जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है। ये सब फैसला होगा 8 बजे के बाद, जब रुझान आने होंगे। और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।